नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारोड पर। मेरे सामने एक बुजुर्ग हैं जो अपने बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आज अनिलवित से मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करें। बाबूजी क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या आपका? मेरा नाम भवानी राम है। क्या अनिलवित से पैदल मिलने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मेरा बेटा 30 साल का मार दिया, डिग्गी में घेर दिया। न्याय लेने यहाँ से फिर मैं दिल्ली भी जाऊंगा। तो इसी तरह पैदल जाएंगे? जाएंगे पैदल। बेटे खातर कुछ करना पड़ता है। दुख हो रही है मेरी, फूट फूट की। 30 साल का बेटा जिसके जाते रहे उससे क्या बीतता है मर्द से। मैं मोदी साहब से भी यहाँ से कितना चाहे मरू चाहे जीऊँ मैं जहाँ पहुँचूंगा। हत्या की वजह क्या मानते हैं? मेरा बच्चा पहले व्यापार करता था एकला, उससे बाद ये मंडी रहता था। मंडी के बाद ये गांव आ गया। मेरे बच्चे को बिला के टाबर था, सराख लिया। फिर रामा मंडी काराड़ी माल ले जाता। अब के मेरे को पता नहीं है क्या इन चिक लिखा रखे, क्या कर रखे इंद्रजीत। पहले इससे ऊपर ये काबू नहीं आया। वो टाबर को बुला गए इंद्रजीत ने, सुंदरदास ने बुला गए, ये ग्यारह जेणा ने ये कार। भाई मेरा खेत में उसको तंग करता था पानी के लिए, आगे पीछे लगवाना इसे दे गए, ठेके दे गए। मेरे को भाई भी मेरे हक में नहीं थे, वो भी भाई आ गए। और कौन कौन लोग हैं, किन किन के नाम हैं पूरे मामले के अंदर? वो तो बता दो। एक सुंदरदास, धर्मपाल उसका पोता, और बता देता हूँ। चलो आप आ गए फिर बता देता हूँ। तो क्या क्या उम्मीद मांग के चल रहे हैं अनिलवित से? क्या न्याय की पूरी उम्मीद है? उम्मीद है। ऐसा न्याय नहीं देंगे मेरे को, ना मिलेगा। मैं मोदी साहब से भी पेश हूँगा, दिल्ली जाऊँगा। तो इसी तरह पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे, अम्बाला गंज जाकर दिल्ली पहुँचूँगा। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है एक बुजुर्ग अनिलवित से पैदल मिलने चला है, साथ में उनका बेटा भी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।